तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए आज विद्या जी गाजर खोदने जा रही हैं खेत पर। ये देखिए आप, मतलब कह सकते हैं खेत का बहुत बेहतरीन नजारा। और तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे मतलब कह सकते हैं विद्या जी आज खेत को नींदने आई हुई हैं। देख लीजिए ये हमारे रामकृष्ण कुशवाहा जी। तो बताइए क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुशवाहा। अच्छा, और क्या लगा है आपके खेतों में? ये लहसुन है। और क्या क्या लगा है? और गाजर है, प्याज है। प्याज के मतलब कि आने वाले खेत में है, तो पानी चल रहा है अभी। देख लीजिए दोस्तों, ये पानी चल रहा है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन शांति की जगह है। और देख लीजिए हमारे सरपंच साहब हैं रामकृष्ण कुशवाहा जी। बताइए क्या नाम है आपका? कृपान कुशवाहा। और ये मतलब कि यहाँ पे रहते हैं आप? हाँ। क्या क्या लगा है आपके खेतों में? हमारे खेतों में हरी सब्जी लगी हुई है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू बताता हूँ इनके खेतों में क्या क्या लगा हुआ है। मैं आप तो देख लीजिए दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ हमारे सरपंच साहब के फार्म हाउस पर, मतलब कह सकते हैं एक बहुत बेहतरीन जगह पर मैं आपको लाया हूँ। देख लीजिए भैंसें बंधी हुई हैं और डेली का दूध निकालती हैं। ये देखिए ये यहाँ पर कार्य करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन जगह पर मैं आपको लाया हूँ। और ये जगह किनकी है? ये है हमारे सरपंच साहब रामकृष्ण कुशवाहा जी की, जो अभी 2022 में सरपंच बने हैं। हमारे वोट के कारण मैंने उनको दो वोट दिए थे दोस्तों। देख लीजिए ये लहसुन, दो वोट दिए हैं हमने इन्हें। देख लीजिए ये सरपंच साहब का मकान है और बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आपको लाया हूँ। ये फार्म हाउस है हमारे सरपंच साहब का। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को, आपका अपना चैनल है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए आज आपको मैं कहाँ लाया हूँ, आज आपको लाया हूँ हमारे जो सरपंच साहब हैं रामकृष्ण कुशवाहा जी हैं, उनके फार्म हाउस पर लेकर आया हूँ। देख लीजिए टोटल हरियाली का एक बहुत बेहतरीन आने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे सरपंच साहब हैं, मतलब कह सकते हैं पेपरौदा खुर्द के निवासी, उनके फार्म हाउस पर आपको लाया हूँ। देख लीजिए टोटल हरियाली और प्याज वगैरह क्या क्या लगा हुआ है, पूछेंगे हम इनसे। तो बताइए क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुशवाहा। अच्छा, और क्या लगा है आपके खेतों में? ये लहसुन है। और क्या क्या लगा है? और गाजर है, प्याज है। प्याज के मतलब कि आगे वाले खेत में है, तो पानी चल रहा है अभी। देख लीजिए दोस्तों, ये पानी चल रहा है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन शांति की जगह है। और देख लीजिए हमारे सरपंच साहब हैं रामकृष्ण कुशवाहा जी। बताइए क्या नाम है आपका? कृपान कुशवाहा। और ये मतलब कि यहाँ पे रहते हैं आप? हाँ। क्या क्या लगा है आपके खेतों में? हमारे खेतों में हरी सब्जी लगी हुई है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू बताता हूँ इनके खेतों में क्या क्या लगा हुआ है। मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन एक सुंदर फार्म हाउस जो भी
मतलब कह सकते हैं हमारे सरपंच साहब हैं रामकृष्ण कुशवा जी, ये उनका है। देख लीजिए, तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे भाई साहब जिनका मकान हमारे घर के आगे है वो खेत पर काम कर रहे हैं। मैं बात कराने की कोशिश करता हूं उनसे, क्या काम करते हैं खेत पर। देखिए दोस्तों, भट्टे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी जगह आपको आज मैं लाया हूं। हमारे सरपंच साहब हैं, तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे मतलब कह सकते हैं विद्या जी आज खेत को नींदने आई हुई हैं। देख लीजिए, ये हमारे रामकृष्ण कुशवा जी का फार्म हाउस है। सरपंच नहीं है ये, देख लीजिए, ये हमारी भाभी जी हैं जो सरपंच हैं, मतलब कह सकते हैं भाई साहब की पत्नी हैं, तो सरपंच तो कहलाएंगी। देख लीजिए, ये कार्य करती हुई विद्या जी, आज आपको बहुत ही बढ़िया एक सुंदर जगह पर लाया हूं दोस्तों। वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं है विद्या जी सारा कार्य कर लेती हैं, देख लीजिए। किसान की बेटी हैंगे तो सब ही करेंगे और क्या। देख लीजिए, इनको मैं 2 बीघा खेत दिलाऊंगा, इसके बाद वहां पर कार्य कराऊंगा। ये देख लीजिए, जो ही काम चल रहा है तुम रुपना खा के जाएंगे जाते। ये नींद नहीं पड़ते जाए और के भी नींद तो भाई दूध भी नहीं जाते। अच्छा, पूरे खेते वहां तक पूरे नींद नहीं पड़ेगी और दो बेर दो बेर तो तब ये कहीं जाकर प्याज उगते है। ये टमाटर लग रहे हैं, प्याज बिक रही है 5 रुपए किलो। प्याज ही देगी तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए, आज विद्या जी गाजर खोदने जा रही हैं खेत पर। ये देखिए आप, मतलब कह सकते हैं खेत का बहुत बेहतरीन नजारा। और ये हमारे रामकृष्ण भाई साहब हैं सरपंच साहब, उनका खेत है। तो ये देखिए, 15 दिन तो बाकी है, बाकी भी महीना भर में कटा लग रही है, डेढ़ महीना में। जोर कोई की होगी अच्छा जी, अपन जा रहे हैं जी। अच्छा, इंडे भी मना तो नहीं कर रहे और कहा तार पहनती है नहीं तो उलझ जा। आज तो मैं शेर करा देती हूँ मैं केतन का। देख लीजिए दोस्तों, विद्या जी आज पूरी गाजर खोद के घर जाएंगी। एक खेत का ठेका लिया है इन्होंने गाजर खोदने का। देखो वाओ, कितने अच्छे लाल फूल का एक है। आराम से
ये गाजर है, अरे ये है, ये क्या है पता है क्या आप? क्या है ये है बताओ ना आप? रजगिरा है, वो अपन बनाते लड्डू। वाह यार, देख लीजिए दोस्तों ये रजगिरा कितने को दंग। हाय हेलो, देख लीजिए ये मतलब कह सकते हैं इनका ही खेत है दोस्तों, और आज इन्होंने हमें इजाजत दी है यहाँ पे वीडियो बनाने की और गाजर खोद के खाने की। पहले काटा तो निकाल, उधर काट दो वो वाला। और देख लीजिए दोस्तों विद्या जी आज कहाँ जा रही हैं डलिया रख के, देखिए कहाँ जा रही हैं आज डलिया रख के आप? गाजर खोदने, गाजर खोदने जा रही हैं दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन जगह पर मैं आपको लाया हूँ, गाजर खोदने जा रही हैं, देखिए आज ऐसा लगता है पूरे खेत की गाजर खोद देंगे ये। मैं सही में काम करवे जाऊ करंग भरा पालतू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू तो काम करवे जाए कर, वहाँ भी अच्छे रेट है। देख लीजिए दोस्तों आज आपको बहुत ही अच्छी जगह लाया हूँ, मतलब कह सकते हैं देखिए टोटल हरियाली का एक बहुत बेहतरीन नजारा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए वीडियो को देखिएगा आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। और ये देखिए हमारी बीवी, देखिए डलिये रख के जाती हुई गाजर खोदने के लिए। कहाँ जा रही हैं गाजर खोदने? और क्या, देख लीजिए दोस्तों आज ये काम करने के मूड से गाजर खोदने जा रही हैं। मैं आगे निकल जाऊं, देख लीजिए दोस्तों आज आपको बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए दोस्तों मैं आज आपको लाया हूं खेत पर, और ये कह सकते हैं क्या है, ये है रजगिरा, जिसके लड्डू आपने कई बार खाए होंगे, हर संक्रांत पर इनके लड्डू बनते हैं दोस्तों, देख लीजिए ये रजगिरा हमारे यहाँ लगता है, ये देख लीजिए आप, और ये देखिए विद्या जी गाजर को खोदती हुई, और ये देख लीजिए रजगिरा कितना बेहतरीन लहरा रहा है, और ये देख लीजिए काम पे लग गई हैं विद्या जी गाजर खोदती हुई।
रखा है जी। ये परी यंगी भी उड़ दूगा की सब्जी बनते बढ़िया। जी का बेसन के लान हो घास इतनी मेहनत है गाजर कोदवे में हैं? फिर दो भी नहीं फिर बेचो वही बिक रही है 10 रुपए किलो। देख लीजिए दोस्तों किसान की मेहनत है मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा है और किसान को इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं अपनी फसल के लेकिन क्या कर सकते हैं बहुत ज्यादा संघर्ष करता है किसान अपनी खेत में। देख लीजिए कितनी मेहनत से ये गाजर को पटाते हुए और ये हमारी बीवी पता नहीं किस जुगाड़ में है। सब्जी बनाएंगे खाई की उड़दुआ की जो और का ये तुम्हारी वीडियो तो मैं कल मिलेगी जा कल डालेंगे सुबह जरूर देखिएगा टीवी में देखियो टीवी है ना अपनी बड़ी टीवी में देखिएगा। भाई साहब वो तो खूब खुश हो गए सही में सुनना मत जन दी की सुन बेटा खस रहा है परम तेरे नाम की विद्या है सर का जिनके पति को तेरे नाम है वो कहीं तू बन जा कहीं जिन जैसा ही कहीं बहु आई है ना और उनका बड़ी भाभी है अब तुम्हारे जी बहन उनके ब्याह आएंगे का तो देख लीजिए दोस्तों हम चल देते हैं देख लीजिए क्या ले लिया है आपने इसमें उड़दुआ और गाजर है। देख लीजिए दोस्तों ये हमारे सरपंच साहब की तरफ से हमें गाजर और एक सब्जी मिली है बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं भाभी जी का जिन्होंने मई भी दिया है और गाजर दी है और ये भैया ने गाजर पटाके दिए हमारे मित्र हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों और ये हमारी सिस्टर बैठी हुई हैं गाजर पटा रही हैं मतलब कह सकते हैं वीडियो को पूरी देखिएगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा देख लीजिए चल दिया है काम तुम नहीं 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 चले जाएंगे हम तो सीधे रास्ता आओ भाभी से कहन ले लेंगे मई की और दाना काट ले जाएगी वहीं पर लग रहा हो का और पीछे लग रहा है हाँ मैं अपने सौ ले जाऊंगी ठीक है ठीक है बहुत बहुत थैंक यू कल लो भैया कल देखना ये वीडियो पूरी देखना लेकिन अरे गेहूँ पूरे अरे अरे कहा
एक महीना बाद आऊंगी जी, लेकिन 15-20 दिन बाद आ जाऊंगी। गेहूं गेहूं आ जाऊंगी 15-20 दिन के बाद। आराम से ही तो देख लीजिए दोस्तों, ये रास्ता है, निकल रहे हैं हम यहाँ से, और ये विद्या जी जा रही हैं ठेला में सामान लटका के। देख लीजिए दोस्तों, ये विद्या जी क्या कर रही हैं आज, क्या कर रही हैं ये? गाजर धो रही हैं। क्यों, कहाँ से लाएंगे गाजर? सरपंच साहब के खेत में से। कौन सरपंच साहब जी? अपने घर के सामने। देख लीजिए दोस्तों, सरपंच साहब के खेत पे से लाए गए हैं ये गाजर, मतलब कि हमारे जो सामने सरपंच साहब हैं। और क्या क्या लाएंगे जी? उड़दुआ, ये देखिए ये उड़दुआ लाएंगे, और जी पालक, ये देखिए ये पालक भी लाएंगे, ये धनिया, ये रखा, ये देखिए ये धनिया भी लाएंगे, ये मही, मही भी। ओहो देख लीजिए दोस्तों, मही खोल के बताइए। देख लीजिए ये मही लाई हुई है, और सारा सामान ये सरपंच साहब ने दिया है। आज उनका एक ब्लॉग बनाने गए थे हम, आप वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।